अतीक अहमद की अवैध संपत्तियों की जांच कर रही टास्क फोर्स की पूछताछ जारी है। शनिवार को पूर्व विधायक आसिफ जाफरी के भाई वासिफ जाफरी ने टास्क फोर्स से पूछताछ की है। टास्क फोर्स ने करीब 5 घंटे तक लंबी पूछताछ की है। हालांकि वासिफ जाफरी ने खुद को अतीक अहमद का विरोधी बताया है। उन्होंने टास्क फोर्स को अतीक के गुर्गों की और संपत्तियों की जानकारी दी है। 15 अप्रैल को पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद की हत्या के बाद ईडी ने अतीक के कई करीबियों के घरों पर छापेमार कार्रवाई की थी, जिसमें पूर्व विधायक आसिफ जाफरी के घर पर भी छापेमारी कर बेनामी संपत्तियों के कागजात जब्त किए थे। ईडी ने दावा किया था कि आसिफ जाफरी के घर से मिले प्रॉपर्टी के पेपर। हालांकि ईडी को जांच पूरी होने के पहले ही कुछ वक्त पहले आसिफ जाफरी का निधन हो गया था। इस वजह से टास्क फोर्स अब तक आसिफ जाफरी के भाई वासिफ जाफरी से पूछताछ कर रही है। हालांकि सूत्रों से मिली पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार करेली में एलिना सिटी प्रोजेक्ट आसिफ जाफरी लॉन्च करने वाले थे। उन्होंने ग्रामीणों से जमीन खरीद कर प्लॉटिंग की तैयारी की थी। सौदा भी हो चुका था, लेकिन इस बीच मामले में अतीक ने दखल दे दिया। उन्हें डरा धमकाकर प्रोजेक्ट उनसे छीन लिया गया। बाद में अतीक अहमद ने एलिना सिटी का प्रोजेक्ट लॉन्च किया।